महाराष्ट्र में दोनों सियासी खेमे निर्दलियों को अपने साथ जोड़ने में लगे हैं। शिवसेना को समर्थन देने वाले विधायकों में एक राजकुमार पटेल से बात की हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने। महाराष्ट्र में पल पल बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच में यहां पर ललित होटल के पास जहां पर की शिवसेना के सभी विधायकों को रखा गया है, कुछ निर्दलीय विधायक भी यहां पर आ गए हैं समर्थन में, जो कि पहले से जिन्होंने शिवसेना को समर्थन दिया था। हमारे साथ हैं ऐसे एक विधायक राजकुमार पटेल, मेलघाट से आप हैं। आप लोग कुल कितने लोग हैं यहां पर निर्दलीय और अब तक कहां थे और अब यहां पर आए हैं और कहां रह रहे हैं? अभी तक हम 8 विधायक ने शिवसेना को पहले समर्थन किया है। हाँ। और मुझे लगता है अभी कि शायद आज मुझे बच्चों ने बताया कि बोला अपन 17-18 निर्दलीय विधायक ने। अभी आप लोग कितने हैं? अभी हम मैं तो अभी अकेला हूँ। अच्छा, मैं अभी गोवा से आया हूँ। अच्छा, मुझे पता नहीं है अभी वो अंदर कितने हैं। तो आप लोग किसी के कहने पे गए थे, रुके थे या अपने काम से गए थे? नहीं, सपोज आप खुद होके हम गए थे वहाँ पे गोवा में। 8 लोग? हाँ, और 8 के 8 आ गए। आ गए 8 के 8 ही आ गए। अभी सब होटल में आ गए हैं। अभी सब यहाँ पे आ गए। मुझे लगता है कि मुझे जो बचपो कोड ने जो बताया है, उनके नेतृत्व में जो 8 विधायक ने जो समर्थन दिया था, तो उन्होंने बताया कि 17-18 विधायक हो गए हैं। बच्चों को खुद भी आ गए यहाँ यही पे आ गए। तो आप लोग एकदम से निश्चित है कि शिवसेना के साथ ही जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम 26 तारीख को हमने समर्थन दे दिया। मातोश्री में जाके उद्धव साहब से मिले, एकनाथ शिंदे साहब से मिले, और उसी समय अब हमको ये पता नहीं था कि भाई सरकार किसकी बनेगी क्या है, लेकिन हमने ठाम सोच लिया कि हमको शिवसेना को समर्थन देना है और हमने समर्थन दे दिया। कोई खास वजह शिवसेना को समर्थन देने की? कोई खास वजह शिवसेना को समर्थन देने की? शिवसेना के सिवाय किसी की भी सरकार बनना तय नहीं है। अच्छा ये बताइए, सुबह आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि अचानक से देवेंद्र फडणवीस शपथ ले रहे हैं, अजीत दादा पवार शपथ ले रहे हैं, क्या बीती होगी आपके ऊपर उस समय? नहीं, कुछ भी नहीं बीता। हमको मालूम है वो सरकार वो शपथ ली है और 30 तारीख को गिरने वाली है, 90% शिवसेना की सरकार बनी। इतना भरोसा था? बिल्कुल बिल्कुल। पूरे अजीत दादा पवार आते हैं, मतलब एनसीपी फूट कर आ रही थी। एनसीपी के 3 विधायक भी नहीं जाते अजीत दादा के साथ में। अभी तो है साथ में 3 उनके, अभी 4 लोग मिसिंग है। 3 है वो, 3 दिन में वो भी वापस आ जाएंगे। बिल्कुल। आप लोग नाम बता सकते हैं 8 के? कौन कौन है आपके साथ यहाँ पर? मैं क्या है कि उनके नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक गावित मैडम है, आशीष जायसवाल है, बच्चू बहू है, भोंडेकर है। और अच्छा बताइए कि आप लोग को बीजेपी की तरफ से खरीदने की कोशिश नहीं हुई? किसी ने फोन नहीं किया? मैं मोबाइल ही बंद था मैंने। सबने मोबाइल बंद कर दिया? लेकिन मोबाइल नहीं तो पर्सनल आके मिले होंगे? नहीं, पर्सनल भी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। ये मेरे सब दोस्त बिरादरी मेरे साथ में। गोवा में आप गए? गोवा में तो बीजेपी की सरकार है। हाँ, वहाँ तो आसानी से पकड़ सकते थे। वो अच्छे अच्छे सरकार है वहाँ के, उन्होंने बहुत कॉपरेट किया, बहुत मदद की सरकार ने, कॉपरेट किया। हाँ हाँ हाँ, जो अच्छे उनको तो अच्छा बोलना चाहिए। आप लोग सुरक्षित यहाँ पर आ गए? बिल्कुल, बुलाया गया यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, यहाँ शिवसेना की तरफ से बुलाया गया कि यहाँ पे आके रुकी? नहीं, अब वो है हमारे दोस्त बिरादरी बच्ची बहू यहाँ पे ही है, वो बोले यहीं आ जाओ, बोले तो यहाँ आ गए। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू। ये निर्दलीय विधायक हैं राजकुमार पटेल, जिनका कहना है कि हम 8 विधायक हैं जिन्होंने पहले से ही शिवसेना को समर्थन दिया था। हम लोग गोवा में थे, अब हम वापस यहाँ पर आ गए, इस ललित होटल में ही रहेंगे और शिवसेना को ही आखिरी वक्त समर्थन देंगे। मुंबई से कैमरा संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, NTV इंडिया के लिए।